हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर स्वागत है। आप सभी आंगनवाड़ी सेविका भारत के किसी भी स्टेट की सेविका के लिए काफी जरूरी है कि उनके पोषण क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं जिनका GMD पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज करना होता है, वो उनका वजन और लंबाई लेकर ही दर्ज करें, क्योंकि इसके संबंध में जांच पड़ताल बिहार के अलावा कुछ राज्यों में चल रही है। टीम के द्वारा जांच की जा रही है और यहाँ पर मामला पकड़ में आने पर जो ये अधिकारी स्तर तक बात जारी है कि आखिर एक्चुअल में जब बच्चे का जन्म के आधार पर उम्र इतना है तो हाइट इतना कम या ज्यादा कैसे है, वजन कम ज्यादा कैसे है, इसके संबंध में GMD के संबंध में सवाल उठने लगे हैं। चलिए डिटेल में आगे खबर दिखाता हूँ किस प्रकार कहाँ गड़बड़ी पकड़ी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो GMD पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का डाटा भरती हैं, ये डाटा अब सही होना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि इस पर जो है अब जांच पड़ताल चलना शुरू हो चुकी है। इसी के संबंध में यहाँ पर देखिए लिखा गया कि कुपोषण घटाने का फॉर्मूला अफसरों ने 1 फुट तक बढ़ा दी बच्चों की लंबाई, यानी कि 20 से 40 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई कम निकली। यानी कि जो डाटा GMD में भरा जा रहा है, अगर उस बच्चे का वही मंथ में अगर डेटा लिया जा रहा है, मतलब कि मेजरमेंट किया जा रहा है, तो वास्तव में उतना नहीं है। इसी के संबंध में ये खबर है। कागजों में बच्चों का वजन दिखाकर फर्जी लंबाई वगैरह दिखा दी गई है, जैसे कि 3 उदाहरण और 3 यहाँ पर केस पकड़ में आए हुए हैं जो रिपोर्टर्स ने जाँच की है। लंबाई 8 सेंटीमीटर ज़्यादा दिखाई, अति कुपोषित को भी स्वस्थ बता दिया, क्योंकि एक मेजरमेंट होता है कि कितने उम्र के बच्चे को हाइट कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए जिससे कि वो कुपोषित नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पकड़ में आ रही है। लंबाई पहले 100 सेंटीमीटर थी इस बच्चे की, बाद में 92 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये जो है GMD में इतना ही लिखा गया था। 14.5 सेंटीमीटर लंबाई अब पोर्टल में नहीं हो रही दर्ज, क्योंकि आप लोग अगर अभी जैसे GMD चल रहा है तो GMD कर रहे होंगे, तो आप लोगों को मालूम चल रहा होगा, जिन लोगों ने भी अंदाज पर या फिर अपने अनुमान के आधार पर किसी बच्चे का GMD कर दिया होगा 2 महीने 1 महीने पहले, तो अब जो है उसका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि इस उम्र के बच्चे का इतना मिनिमम हाइट होना चाहिए, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पर देखिए किसी किसी बच्चे का हाल यह है कि पोर्टल पर उसकी लंबाई 63 सेंटीमीटर दर्ज की गई, लेकिन हकीकत में जो है वो 60.6 सेंटीमीटर तक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। लिखा गया है कि ये जो है एक बच्चे की लंबाई फरवरी 2024 में 112 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब 89 सेंटीमीटर हो गई है, यानी कि लंबाई जो है वो 23 सेंटीमीटर घट गई है। आप भी सोच के बताइए क्या यह पॉसिबल है लंबाई का घट जाना, वो भी 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर का मतलब जो है वो लगभग 1.5-2 फुट हो जाता है, उतना घट जाना पॉसिबल नहीं है, 1 इंच भी घट जाना पॉसिबल नहीं है, भले ही आपकी हाइट नहीं बढ़े। लेकिन यह मामला काफ़ी उल्टा पुल्टा है, मामला जो है लंबाई घटने का है, जो असंभव कारनामा कर दिखाया है महिला एवं बाल विकास अधिकारियों ने। लिखा गया है कि अति कुपोषित बच्चों के भी यहाँ पोर्टल में गड़बड़ी कर दी गई है। अब जो DPO है वो कहती हैं कि गड़बड़ी हुई है, सॉरी कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ, पोर्टल चलाना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई जगह पर भी ठीक से नहीं आता, इसलिए गड़बड़ी हुई है, ऐसी जानकारी भरने के लिए नहीं कहा था। अब यहाँ पर जो है महिला बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश की जो खबर है वो कहती हैं कि मैं इस मामले को दिखवा लेती हूँ। तो कुल मिलाकर आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच करके ये चीज़ें जांच की गई। उम्मीद करूंगा आप लोग सही तरीके से जांच कर रहे होंगे, ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सभी चीज़ सही रहेंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।